थैंक यू इंस्पेक्टर जी, आपने हमारी बहुत मदद की। इस आदमी को तुम्हें खत्म करके ही छोड़ देता है। La police française sera toujours là pour vous. C'est un homme dangereux pour nous aussi. Vous कह रही है कि फ्रेंच पुलिस हमेशा आपके साथ है और ये आदमी लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है। हर्पेस डोंगा, हाँ बहुत खतरनाक है। किसने सीआईडी को करीब करीब खत्म ही कर दिया। सब ऑफिसर्स को मारने की कोशिश की थी इसने। एसीबी प्रद्युमन, मैंने तुम्हारे लिए एक सीडी। माय गॉड, ड्रग्स। ये ड्रग्स कोई खतरनाक ड्रग्स है क्या? ये बहुत खतरनाक ड्रग्स है यार। साफ साफ बताइए डॉक्टर साहब, बात क्या है? यार ये ड्रग्स धीरे धीरे सोनाली के दिमाग को खा जाएगी। वो ये भी भूल जाएगी वो थी कौन। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और अभी ये तो शुरुआत शुरुआत आगे 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 देखो आईडी के साइड क्या 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 कर रहा है। तारिका जी, तारिका जी भी डॉक्टर सोनाली और तारिका दोनों को किडनैप कर लिया। वो दोनों यही थे, डॉक्टर सोनाली और डॉक्टर तारिका को उसने यही बांध कर रखा था। वो जो कोई भी है उसे हमारे आने के बारे में पता चल गया था, इसलिए लेकर निकल गया उनको। हमारे साथ एक बहुत बड़ा डेंजरस गेम खेल रहा है। पहले दोनों फॉरेंसिक डॉक्टर्स को किडनैप किया, अब तुम पर हमला किया। ये हो क्या रहा है? आज तक जो कभी नहीं हुआ था वो हो चुका है। इस रिवॉल्वर में सिर्फ एक ही गोली है, तुम में से एक एक इस रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाएगा। करियो ये सब तुम, बाहर निकलो। रिश्ते नाते सब खत्म विवेक। ये आप क्या कर रहे हैं सर? बम बनाने का सामान। उस वक्त अगर तुम यूरो में होते तो कम से कम उस बेचारे को तो बचा पाते। कहीं साउंड की जान को तो खतरा नहीं? माय गॉड, उस एचडी की दुश्मनी हमसे है, इसीलिए वो सीआईडी से जुड़े लोगों को एक एक करके उठा रहा है। तो ये है इसका आखिरी प्लान। इन लोगों की याददाश्त वापस आने से पहले ये खेल इन सब लोगों को मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। अब आया इस खेल में मजा। शायद ये मेरा दुश्मन है और किसी भी हाल में तुझे मारना है मुझे। अरे पूरा का पूरा सीआईडी डिपार्टमेंट आपके ऊपर घमंड करता है, घमंड। सर आप यहाँ से जाइए सर। क्या? सर आप प्लीज यहाँ से जाइए सर, प्लीज बात। सर आप यहाँ से जाओ, नहीं तो क्या करोगे तुम? सर मैं अपने आप को गोली मारूंगा। मुझे सर मैं गोली मार लूंगा। रिक्वेस्ट प्लीज। आई एम सॉरी सर। HD HD
इच्छती जिन लोगों ने तेरा साथ दिया उनको तो तूने मार दिया, पर उन्हीं लोगों ने हमें बताया तू कहां छुपा। पेरिस में छुपा है तू। देख, तू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, किसी भी कोने में छुप जा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। Herpes Dangaroo नाम के आदमी का नाम ही मिटा दूंगा मैं इस दुनिया से। On a fait des recherches aussi sur Herpes Dangaroo. जिन लोगों ने कुछ इंक्वायरी ली है Herpes Dangaroo। अच्छा, तो क्या क्या पता चला आप लोगों? Apparemment, il traînerait avec beaucoup de gens riches. काफी अमीर लोगों से मिलता जुलता है आजकल। अमीर लोगों से क्यों क्यों मिलता है वो अमीर लोगों से? En tout cas, ils sont tous aussi futés. Ils font tous partie de la mafia. पता नहीं, मगर ये सब लोग उसी की तरह बदमाश हैं, सब अंडरवर्ल्ड के लोग। अच्छा, क्योंकि क्या आप लोगों को पता है वो कहाँ आते जाते रहता है इस एरिया में? Vous savez, dans ce quartier de Paris, il y a plein d'Indiens, de Sri Lankais, plein de boutiques. Ils peuvent se cacher n'importe où. Paris के इस एरिया में काफी इंडियन और श्रीलंकी हैं, तो वो यहाँ आसानी से छुप सकता है। तो फिर वो ज्यादातर कहाँ पर आता है? Apparemment, il serait souvent dans un magasin de saree. Saree? Saree shop? Yeah. कहाँ पर? Yeah, par là. T'as planqué où? C'est pas de quoi vous parler. Ouais, qu'est-ce qui va te connaître? Est-ce que moi, le mini coach? Je m'allume, hein? Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais que tu es au travail. Laissez-moi tranquille. Ah, tu te laisses tranquille. Tu te laisses tranquille. Quand tu as chordé? Ah oui, chordé, t'as l'oublié. Ah, boss! T'es là, il y a. Eiffel Tower, que Nietzsche, t'es là, il y a. क्या नहीं बॉस, क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते बॉस पेरिस में। ओके बॉस, ओके। बहुत बड़ी गलती कर दी जिंदगी की, बाहर आया। अब पंटर लोग इधर आइफल टावर के नीचे फलाफल खा रहे हैं। सुन, लोटस के फूल, ये अपनी चिल्ली है, इसको जरा इधर का नजारा वजारा दिखा ले।
समझा, आइसक्रीम खिला, चिकन चिल्ली खिला और उसके जूते मैंने नए ला के दिए, तो उसके जूते की तरफ देखने का, मुंह की तरफ देखा तो तेरे मुंह की चमड़ी खींच के उसके जूते बना दूंगा, समझा? चल चिल्ली, ही विल शो यू अराउंड आई फेल। अच्छा तो ये मच्छर तंग करा था? हाँ बस। तुम को नहीं पता इसी मो अफ्रांस शू रेस्पेक्टे टू सा से मो क्वार्टिये। कौन से फीचर गाना गा रहे हैं? बोलता है जानते नहीं हो मुझे, फ्रांस में इसका बड़ा नाम है, ये इसका इलाका है बस। हाँ इसको बोलना हिला गाना कुत्तों लोग कर था और कुत्तों काम रहता है दुम हिलाना, क्या था दुम? ये क्वार्टिये से पोर ले शियां et les chiens qu'il a vécu, tu sais. La police me craint ici. Hein? Police bhi jante hai isko bas. Police ye bhi jante hai ki ye do number ka maal idhar se udhar karta hai. Haan? Itna bada aadmi hai to ye jindi chor log jo idhar udhar kuch bechte na, haan, un log se maal kyun loot rahe hain? Sabse jaan do usko sir. Tu paisa 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 bata. Paisa bata paisa. Money 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 money. Nahi 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 bol raha, nahi bol raha, nahi bol raha, nahi bol raha, nahi bol raha. Bekar aadmi, bekar. Usko car mein leke. S'il vous plaît, non, une chance, allez. Une dernière chance. Allez, allez, allez. Après, hein. Après. Dernière chance. Après. Ok, bouge pas. Et il y a là, si vous voulez la fin de la fin de la fin, moi y aller. Go, il show you là. Il show you là. Go, go, go. Yeah. उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता चल सकता है, शायद वो अंदर ही मिले हैं। चलो लेट्स गो गेट द कार। व्हाट इज दिस? इसमें पशु यहां पे जिंदा कैसे बच गया? कौन सी मिट्टी का मना साला मरता ही नहीं। Oh, il y a un flic aussi avec lui. Hop, voilà. Vous êtes en train de... Voilà. Hey. Vous êtes en train de... Voilà, il s'est dit, il y a un peu de poids. Parce qu'il y a un peu de poids, il y a un peu de poids. Tu as peur du ICP? Eh, क्या बोली है किली? बोली कि आपको डर लग रहा है ICP से? ये बोली या तू बोल? अरे काम होने दे। आदमी तेरी गर्दन ही मरोड़ देता हूँ। Qu'est-ce qu'il dit? Il va me donner du money. Money? तेरे को तो मैं पैसे नहीं बोल दूँगा। Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit नहीं, यार टेंशन है, चुप 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 चुप। वो तो शेर की तरह इधर आ रहा है। ये तुम्हारे को डरा रहा है क्या? हाँ? हाँ? डरा रहा है मेरे को? अरे इंडिया में होता ना तो 10 बार मार के 10 बार गाड़ चुका है। एसीपी? एसीपी? Alors voilà, on le voit très souvent ici. एसीपी? ये चुप हो जाके एसीपी चुप 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 बंग बंग बंग। उसको यहीं अक्सर देखा गया है। यहाँ पर? Il est peut-être dedans? हो सकता है वो अंदर ही हो। अंदर? Let's go. Bonjour, je peux vous aider? आप हिंदी बोल लेती हैं? जी। गुड, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से आपसे पूछताछ करने आया हूँ। पूछताछ? किस बारे में? एक आदमी के बारे में। कौन आदमी? हर्पेस डोंगारा, एचडी। हर्पेस डोंगारा? जानती हैं आप इसे? इससे क्या पूछते हो एसीपी?
हमसे पूछो हम बताते हैं नो Le jeu est terminé, ACP. Je vais te tuer. Tumhara khel khatam hai, ACP. Tu peux pas le tuer, c'est un flic. Ye police hai, tum ise nahi maar sakte. Tu bhi maregi. Vas-y. Fire! No! Ye kya kiya tumne? Goli maar di. Je vais te tuer. ACP को मारेगा ACP प्रद्युम्न कभी अकेले नहीं होते उनकी ताकत हमेशा उनके साथ चलती है अभिजीत अभिजीत हर्पेस डोंगरा यही कहीं छुपा है ढूंढो उसे हेल या तू या इन खून तू है या ओके Excuse me, I need to borrow your bike. Pardon? I need to case that man, please. Where is this? I don't see any woman.
बहुत भाग। जब दया का हाथ पड़ता है ना तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। क्या बजने लगता है? पियानो। बता, तेरा बॉस कहाँ है? ज़ुरिक। ज़ुरिक? इतनी जल्दी ज़ुरिक कैसे पहुंच गया? लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट। लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट ज़ुरिक। Excuse me. क्या आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी, आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हमें हरपेस डोंगारा से मिलना है। किसे? हरपेस डोंगारा, वो यहीं आने वाला था ना। कौन? तुम्हारे गले में कुछ अटका है तो निकाल दो। हरपेस डोंगारा कहाँ है? सर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं किसी हरपेस डोंगारा को नहीं जानता। जानते नहीं हो या पहचानना नहीं चाहते? इसे देखो और जरा ढंग से देखो और बताओ। इसे तो मैं जानता हूँ सर, ये अक्सर यहाँ आता जाता है, पर मैंने कभी इसका नाम नहीं पूछा। यही हरपेस डोंगारा है। अच्छा, ये आदमी तो थोड़ी देर पहले यहीं पे था। अभी भी यहाँ था? कहाँ? कौन सी टेबल? इसी टेबल पर बैठता है। यहाँ पे? सर मैं बाहर देखता हूँ। हाँ, अकेले आया था या साथ में कोई और भी था? वो अपने एक दोस्त के साथ था, अर्जुन। कौन अर्जुन? वो हमारे यहाँ वेटर का काम करता है। अर्जुन? वेटर के साथ दोस्त? जरा बुलाओ इस अर्जुन को अभी। उसका तो शिफ्ट खत्म हो गया था, वो तो चला गया। इसे बाहर तो कहीं नहीं दिखा। अर्जुन गया था? वो बर्न स्टेशन गया है सर, अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने। गर्लफ्रेंड? उसकी एक रशियन गर्लफ्रेंड है, जब अपनी शिफ्ट खत्म कर लेता है तो उसको मिलने अक्सर चला जाता है। अच्छा, उसकी कोई फोटो वोटो है तुम्हारे पास? जी, एक मिनट लेके आता हूँ। जल्दी बर्न स्टेशन चलना चाहिए, कहीं अर्जुन निकल ना जाए। हाँ सर जी, ठीक है। तो ठीक है, इंतजार करते हैं। चारों तरफ फैल जाओ। यही पकड़ लो, एसडी के बारे में यही उगल वाले थे इसे। नहीं दया, अभी नहीं। मुझे नहीं लगता ये अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आया, तो दूसरी बात है, देखते हैं। ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं लग रही है, इनफैक्ट दोस्त भी नहीं लग रही है सर, दोनों टेंशन में है। हाँ, लड़की काफी डरी हुई लगती है सर।
आपके हाथ में जो बैग है शायद उसी का कोई चक्कर होगा सर। ऊपर आ रहे दोनों।
जाके देखो क्या बातें हो रही है। अमृत बगना था लेकिन ध्यान से सुनना क्या बात करती हो। अच्छा ठीक है और हर बात की खबर देना। हाँ हाँ नाटक शुरू कर दिया। एक्टिंग चल रही है सर। उसने उस लड़की से पहले पूछा कि तैयार हो तो फिर उसके इशारे पे वैसे हंसने लगे। देखते हैं जरा रुक कर देखते हैं। आदमी के हाथ में देखे बिल्कुल वैसा ही बैंक है। सर यहाँ पे बैग की अदला बदली होने वाली है। ये टोपी वाला इस लड़की का बैग लेके जाएगा सर। ये देखिए ये उठाया सर ये अरे ये तो अपने ही बैग उठा लेंगे। ये तो चला गया। ले पीछे करो उसको देखो। अभिजीत दया तुम इन दोनों का पीछा करो। मैं टोपी वाले के पीछे जाता हूँ। हाँ चल।
उसी का इंतजार कर रहा है। बैग छोड़कर भाग गया सर। मैं जाऊं उसके पीछे। जल्दी जाओ। ये लड़की कौन है? यहां कर क्या रही है? टोपी वाले का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? वो मर गया। मर गया? डैम इट। डैम इट। निकल गए। बैग भी गया। जाना कहाँ चाहते हैं? रहस्य बढ़ता जा रहा है। आखिर इस बैग में है क्या? कोई कीमती चीज है तो जल्दी से जाके किसी को देख क्यों नहीं देते? ये पूरा बंड घुमा के रख दिया है। पता नहीं जूते बैग में क्या है। शायद इसी को पता चल गया हो कि वो टोपी वाला इन लोगों से क्या लेके गया। Thank you.
हमारे शिकार तो निकल गई। क्या क्या हुआ क्या? वो टोपी वाला जो बैग लेके निकला था उसे किसी ने मार दिया, मगर मरने से पहले उसने वो बैग किसी लड़की के हवाले कर दी। तो वो लड़की कहाँ गई? अरे गई कहाँ, निकल गई हाथ से। हम लड़के को देखने भागे तब तक ये लड़की रफू चक्कर हो गई। तब ये आदमी अपने पीछे कोई गवाह छोड़ी नहीं रहा, काम निकला तो खत्म कर देता आदमी। रहेगा पास ना बजेगी पास। ऐसा करो, इन दोनों पर भी नजर रखो, इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। सर इन लोगों को पकड़ लेते हैं सर, इन्हीं से पता चल जाएगा इनके प्लान के बारे में। हाँ सर, हमारे साथ रहेंगे तो कोई अटैक भी नहीं कर सकेगा इन पे। ये सब क्या है? कौन है आप लोग? पहचाना नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, हमें तुम दोनों से कुछ बातचीत करनी है, समझे? लेकिन हमें बाहर लोगों से कोई बातचीत नहीं करनी। अरे ऐसे कैसे, इतनी दूर से आए हैं तुम लोगों के पीछे पीछे, बॉर्न स्टेशन से लेके यहां तक बात तो करनी पड़ेगी। ये बैग का क्या चक्कर है और उस बैग में क्या था जो तुमने उस आदमी को दिया है? तुम लोगों की वजह से एक आदमी की जान गई है, किसी ने जान से मार दिया उसे। जब मेरा हाथ पड़ता है ना तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। क्या बजने लगता है? पियानो। हाँ, पियानो। ओके ओके, ये बताओ कि मामला क्या है, क्या है इस बैग में? हमें नहीं मालूम क्या है। बैग लेके घूम रहा है और बोल रहा है मालूम नहीं है? सर हमें सिर्फ इस बैग को अपनी जगह पर पहुंचाने के लिए कहा गया था। ये सब काम करने के लिए कितने पैसे देता है तुम्हें? एच डी? सर हम किसी HD को नहीं जानते। इस आदमी को पहचानते हो? ये तो कैप्टन है सर। ये कोई कैप्टन वैप्टन नहीं है, ये HD है, यही है HD। अरे नहीं सर, हम इसे कैप्टन के नाम से जानते हैं। ये कोई कैप्टन चैप्टन नहीं है, अपराधी यही है, अपराधी। पहले एक CID ऑफिसर हुआ करता था, आजकल ये देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। बैग खोलो। बैग तो खाली है सर। कहाँ ले जा रहे थे ये खाली बैग? यात्रा से फंताश हो बिकॉम में वीर वीर बिंग के दर्द की है। क्या क्या बोला इसने? बस तो पास में है, बर्ड की बहुत पुरानी जगह है, सुंदर जगह है। ठीक है, तुम दोनों ये बैग कुकू क्लॉक पर जाके रखो, देखते हैं इस कुकू क्लॉक पर होता क्या है। तो ये है वो जगह कुकू क्लॉक वाली? हाँ सर, ये वही जगह। ये बैग कहाँ रखने वाले थे तुम लोग? सर वो जो साइन बोर्ड दिख रहा है सर, उसी के नीचे। ठीक है, तुम दोनों बैग रखो, अपना काम पूरा करो, आगे हम देखते हैं। चलो
हैं कि क्या करती है ये। लड़की तो गायब हो गए। बड़ी तेज गर्लफ्रेंड ढूंढी है तुमने, मुसीबत में तुम्हें हमारे पास छोड़कर चली गई। सर उस आदमी के पास देखिए सर, वो बिल्कुल वैसा ही बैग है। और भी लोग आ रहे हैं सामान लेकर, मानना पड़ेगा खाली बैग और भरी हुई बैग की अदला बदल करने के लिए बड़े लोग रखे हैं। क्या इस बैग में किस चीज की हो रही है इतनी लंबी प्लानिंग सर? अभिजीत, बैग के अंदर क्या है ये जानने से ज्यादा जरूरी ये है कि इनके काम के बाद ये बैग लेकर कौन जाएगा। सारा मार्केट देख लिया, वो लड़की कहीं नहीं दिखी। कहीं नहीं? नहीं। कहाँ गई वो लड़की? मालूम है सर। कोई बात नहीं अभिजीत, आज नहीं तो कल मिली जाएगी, ये ही पहुंचाएगा हमें उस तक। सर बैग तीसरी बार बदला जाने वाला है, अब कौन लेने आएगा देखते हैं। हो गई है तो आदमी भी अभी तक यहीं था। इशारा कर रही है सर। अरे ये तो लेकर निकल गई। देख जल्दी तुम उस आदमी के पीछे जाओ। ये सर अभिजीत भाई करते हैं, लड़की को पकड़ देते हैं। Thank you.
बहुत भगाएगा, हाँ? किसने बजाए? हाँ? बोल, हाँ? नाम क्या तेरा? रघु। रघु, ये पैसे किसके लिए लेने आया था? एक पैसे नहीं, बस इस दिन नहीं मालूम। नहीं, एक पैसे नहीं। एचडी कहाँ है? एचडी? हाँ। हाँ, where is my HD? Can the name on from the HD? HD कहाँ नहीं मालूम? नहीं, नहीं पैसे। नहीं जानता तू? वरुण प्रांक्स तू मेरे। एक बैग के पीछे इतना हंगामा? हाँ सर, पता नहीं बैग में सोना भरा है कि बॉम्ब है। कुछ भी हो, जो कुछ भी है, कुछ खास है। इतने लोगों के हाथों में से ये बैग गया है, एक आदमी का खून भी तो हुआ इस बैग के पीछे। हेलो, मेरे पास ही है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जैसा प्लान किया था सब कुछ ठीक उसी तरह जा रहा है। ओके, वहीं आती हूँ। यस, मे आई हेल्प यू? जी बिल्कुल। तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा? हम तो अपना काम कर रहे हैं। Don't act smart. तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ। यही तो हम जानना चाहते हैं कि तुम हो कौन और इस बैग में क्या है। बैग में? हाँ, इस बैग में क्या है? मेरा बैग है, मैं क्यों बताऊँ इसमें क्या है? देखो, वैसे तुम सुबह से इस बैग का पीछा कर रहे हैं, अब रहा नहीं जा रहा है, जल्दी से बता दो क्या है बैग में। देखो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। CID तुम्हारे सामने है, पुलिस को बुलाना चाहती हो? मैं इसे भी प्रद्युमन, CID। मैं हरपेस डोंगारा को ढूंढ रहा हूँ। अब बैग खुलेगी? क्या है इसमें? मुझे नहीं मालूम। सच में नहीं मालूम है या बताना नहीं चाहती? नहीं सर, मुझे सचमुच नहीं मालूम। बैग इधर दे, बैग ला। इतने सारे पैसे और तुम कह रहे हो तुम्हें मालूम है? मुझे कुछ नहीं मालूम सर। सच सच बताओ, ये पैसे डोंगारा के? सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए, वो मुझे मार डालेगा सर। मार डालेगा? हाँ सर, इसने मुझे धमकी दी है, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। अरे है कहाँ वो? हैं? तो आते क्यों नहीं? क्या क्या चल क्या रहा है? अरे यार, वो खेकड़े मेरे पीछे पड़ गए। नहीं नहीं, मैं कौन से समुंदर में नहा नहीं रहा हूँ, खेकड़े बने तो वो स्वेड पीछे पड़ गए। हाँ हाँ, जानता हूँ मैंने मार दिया तो उनको, लेकिन वो मरते नहीं ना। हाँ, पड़ गए पीछे। हाँ हेलो, हाँ ये देखो, मैं 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट रहा दिखूंगा वरना चला जाऊंगा। हाँ वो गए, रख रख फोन गद्दे रख। सर, सारा पैसा इकट्ठा हो गया। कहाँ है पैसा? होटल में पहुंचा दिया है। कितना? आपका इंडिया को बर्बाद करने का जो प्लान था ना, उसके लिए काफी है। मतलब इंडिया बर्बाद है? हाँ पक्का। गरीबों के निकले थे, चलो ऐश मनाते। जश्न मनाते हैं, लेकिन वो CID वालों का क्या होगा? फिर CID का नाम लो तू। CID वाले तो बर्बाद हो जाएंगे ना।
इंडिया में रहेंगे तो मार सकता हूँ ना उनको मैं, लेकिन वो तो यहाँ भी आ गए, स्विट्जरलैंड में भी आ गए, उनके सुनते सुनते कुत्ते, वो सूरत में गया वहां भी है, बर्न में गया वहां भी, लेकिन अब सब खत्म, सब खत्म, हाँ सब खत्म। खत्म मतलब वो खत्म हो जाएंगे या आप? अबे मोहिंजादड़ो, तू तो वही चाहता है ना, तू पटाखे फोड़ेगा, तू मिठाई बांटेगा, तू दिवाली मनाएगा? नहीं सर, ना तू दिवाली मनाएगा, ना तू मिठाई बांटेगा, ना तू पटाखे फोड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ मुझे ढूंढने आए, मैं निकल जाऊंगा पेरिस, यहाँ बर्फ में मुझे ढूंढते ढूंढते बर्फ हो जाएंगे, मर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिनिश फिनिश। सर मैं भी आऊँ मेरे साथ? हाँ हाँ चलोगे? हाँ तो वो जो बुला रहे उसका क्या करोगे? कौन सर? कोई मेरा भी है बुलाने वाला? हाँ वही ऊपर वाला, कितने दिन मैंने तुम्हें सहन किया, उसने तुम्हें बुलाया, उसे भी सहन कर रहे तू? कहाँ अनिला, किसने दी धमकी तुम्हें, कौन कर रहा है ये सब? सर मुझसे कुछ मत पूछिए, मेरे बच्चों की जान खतरे में है। वो कैसे? वो मेरे बच्चों को मार डालेगा सर। कौन कौन मार डालेगा? किसने पकड़ के रखा तुम्हारे बच्चों को? एचडी एचडी हर्पिस डंगारा, तुम्हारे बच्चों को उसने पकड़ के रखा है? ये एचडी के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है, तुम जानती हो उसे? मेरे पति उनके लिए काम करते थे, ऐसा ही कोई काम करते हुए उनकी मौत हो गई, घर में बच्चे थे सर, उनका पेट तो भरना ही था ना, इसलिए मदद के लिए मैं एचडी के पास चली गई और उसने मुझे पैसे दिए। बाद में उसने तुमसे ये काम करवाया? मैंने बहुत मना किया सर, तो उसने कहा कि काम तो करना पड़ेगा वरना पैसे लौटा दो। मैं पैसे कहां से लौटाती सर? तो फिर क्या किया? उसने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो वो मेरे बच्चे को मार डालेगा। मुझे उसकी बात माननी पड़ी, काम करना पड़ा मुझे सर, डर की वजह से आज तक कर रही हूँ। तुम्हें मालूम था इस बैग में क्या है? नहीं सर। हजार हजार के स्विस फ्रैंक भरे पड़े हैं इस बैग में, अब तुम कह रहे तुम्हें मालूम नहीं है? दो नंबर का पैसा यहाँ से वहाँ किया जा रहा है, समझी? खाली बैग रखो और भरा बैग लेके जाओ। वो फ्रेंच पुलिस वाली इंस्पेक्टर जूली ने बताया था कि हर्पिस आजकल अमीर लोगों से मिल रहा है, पैसे ले रहा है उनसे। तुम ये बैग कहाँ लेके जा रही थी? ज्यूरिख स्टेशन कल। अच्छा, उस आदमी का फोन नंबर है तुम्हारे पास जिसे तुम मिलने वाली हो ज्यूरिख स्टेशन पर? दिखाओ जा। 0041 191 41। सर मुझे लगता है इसे कल ये बैग लेके ज्यूरिख स्टेशन जाना चाहिए, वहां पता चल जाएगा कि वो दूसरा आदमी है कौन। मैं? आइडिया तो अच्छा है अभिजीत, लेकिन इसकी जान को खतरा हो सकता है। तुम एक काम करो अनिला, जिस आदमी को तुम मिलने वाली हो उसे फोन करो और कहो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कोई और आएगा बैग लेकर। हेलो, अनीला बोल रही हूँ, वो मेरी तबीयत खराब हो गई है। नहीं, बैग आप तक पहुंच जाएगा कल, मेरा आदमी ले आएगा। नो नो डोंट वरी,
मेरी पहचान का ही है। हाँ बाय। अभिजीत ये बैग कल तुम लेके जाओ, देखते हैं कौन मिलता है ज्यूरिख स्टेशन पर। किसी में भी शक हुआ तो मैं बताता हूँ, पर उस आदमी को 5 बजे तक पहुँचना था। 5:05 हो चुके हैं। हाँ आदमी क्यों गया, कोई औरत भी हो सकती है। हाँ अभिजीत, इस हरपेश डोंगारा के गैंग में बहुत सारी लड़कियाँ हैं तो सही। हाँ इतने पैसे छोड़ के कोई जाएगा क्यों, कोई ना कोई तो लेने ज़रूर आएगा। अच्छा तो ये मुझे फंसाने की चाल थी है? जी सर, आखिर कामयाब चाल, आपकी और आपकी साथियों की छुट्टी। अभी जल्दी से बाय बाय बोल दो। इतनी जल्दी क्या है, हमें जल्दी है तुम्हें ऊपर पहुंचाने। अच्छा मारो इसे। मारना है तो आओ ना, देर किस बात की है।
किसने भेजा था तुम्हें? बोल। ये मच्छर लोग मारने चले थे। देख, जब मेरा हाथ पड़ता है ना, तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। क्या बजने लगता है? पियानो। 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 किसने भेजा? बोल। एक औरत है। औरत? हाँ। कौन औरत? मैं उसे नहीं जानता। आप लोग खत्म करने के बाद वो मुझे मिलने वाली है। मेरी इंतजार करती होगी। ओहो बेचारी, बड़ी देर से परेशान हो रही होगी। चलो चलो, हम भी चलकर मिल लेते हैं। पक्का यकीन है तुम्हें? यहीं पर बुलाया था उस औरत ने? जी सर, इधर यही जगह पर मुझे आने के लिए कहा था। यही वो मेरे काम के पैसे देने के लिए आई। काम तो हुआ ही नहीं सर। हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे, तुम हमें जानते नहीं हो। बर्न ऑफ ने एग्जैक्टली कहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था? यहाँ सर, इस जगह। कहाँ? ये तो सर अर्जुन के कजिन है। मूव, कम कम, आउट ऑफ हियर, कम हियर, कम, मूव फास्ट, कम। Come on, come on, move fast, come, move come, fast, come, come, fast. Come. Ah, क्यों मारना चाहती हो हमें? Wir haben nichts gemacht. Warum sollen wir sie töten? Das hat Herpes von uns verlangt. क्या कह रही है? ये कह रही है कि हमने कुछ नहीं किया, हम आपको क्यों मारेंगे? Herpes ने करवाने के लिए कहा था। Salüki, Madamundessa. इसने करने के लिए कहा था। इसने कहा था? Oui. तुम्हें क्या लगा? हम लोगों को मारना इतना आसान है? तुम्हें पता कैसे चलता था कि हम लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं? हमें कुछ नहीं मालूम, हमें जो कहा जाते हैं हम बस वही करते थे। सर, एक ही इंसान है जिसे मालूम था कि हम ये बैग लेके स्टेशन पे खड़े होंगे, और वो है अनीला। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो अनीला ही है। यस सर, अनीला। जी, अब बताइए क्यों क्यों मरवाना चाहती है हमें? मैं ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, समझे? सब कुछ सामने आ गया है। मैंने कुछ नहीं किया सर, सब कुछ उसने किया है। उसने? किसने? हर्पेस, हर्पेस डोंगारा सर। क्या? हर्पेस? हाँ सर, उसे पता चल गया कि आप लोग बैग का पीछा कर रहे थे। याद है उस दिन मुझे एक फोन आया था? हेलो, मेरे पास ही है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जैसा प्लान किया था सब कुछ ठीक उसी तरह जा रहा है। किसने किया था वो? हर्पेस ने। क्या? हर्पेस ने तुम्हें हमारी नाक के नीचे फोन किया और तुमने हमें बताया नहीं? मैंने कुछ नहीं किया सर, सब कुछ उस नटालिया ने किया है। जब वो आप लोगों से बचकर भागी तो उसने तुरंत हर्पेस को फोन किया और सब कुछ बता दिया उसे। मेरे बच्चों को हर्पेस ने पकड़ रखा है सर, मैं क्या करती? सर, उसे भनक भी लग गई कि मैं आप लोगों को ये सब कुछ बता रही हूँ तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा वो मुझे सर। मेरे बच्चों को प्लीज बचा लीजिए सर, प्लीज मेरे बच्चों को बचा लीजिए, प्लीज मेरे बच्चों को बचा। सर, वो मुझे मार डालेगा सर। मारेगा? तुम ठीक हो?
Look down! Stop! Just stop! तुम भाग के नहीं जा सकते देखा रुक जाओ ऐसे नहीं मानेगा उसे हाथ नहीं पड़ेगा भाग के जाएगा कहाँ कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही एक बार हाथ आ गया ना इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा बैरक हाँ पास थोड़ा और पास पास हो गया वो सर हेल्प सर हेल्प लीव मी सर हेल्प ओए मैं यहां देख रहा था कुत्ते में कोई अनिला को उठाकर ले गया क्या अच्छा जो आदमी से मारने आया था वो भी मारा गया ब्लास्ट में सर हर्पेस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है उसकी गर्लफ्रेंड वो गोरी सर वही हमें हर्पेस तक पहुंचाएगी वो लड़की सबरीना हमें यहीं पर मिलने वाली है सर ये लड़की हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है इस हर्पेस डोंगारा के बारे में और जानकारी हमें यही लड़की दे सकती है। सर हर्पेस की गर्लफ्रेंड है कहीं धोखा न दे 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 दिया तो दे दिया क्या कर सकते सर ये वही है क्या Je vous connais, vous me suivez depuis Montmartre. Pourquoi? Sir, ये कह रही है कि ये आपको जानती है. तुम्हें मालूम है तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक क्रिमिनल है? Ton copain, c'est un grand criminel. Il a même essayé de nous tuer. मालूम है? उसने हमें भी मारने की कोशिश की थी. Non, ce n'est pas possible. C'est faux. Il n'aurait jamais pu faire ça. Sir, ये बोल रही है ऐसा नहीं हो सकता. ये झूठ है. वो ऐसा नहीं कर सकता. जरा इन्हें बताओ कि हम लोग CID मुंबई से आए हैं. हम वहां से यहां तक हर्पेस डोंगारा को पकड़ने के लिए आए हैं उसने हमारे पूरी CID टीम को जान से मारने की कोशिश की Ils sont venus de Mumbai, c'est des policiers. Ton copain a essayé de tuer tous ces gens en Inde. Listen, हमारी मदद करो हर्पेस डोंगारा को पकड़ने में. Maintenant, vous allez nous aider à le rattraper. Oui, je vais vous aider. Sir, ये हमारी मदद करने के लिए तैयार है. देर लग गया सर. हाँ. इसको बोलो बुलाए यहाँ पे उसे. Écoute, demande à ton copain de venir ici. Appelle-le. D'accord. Mais on ne s'est pas croisé depuis plusieurs jours. Sir, वैसे भी काफी दिनों से ही अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिली है. ये उसको फोन करेगी. ठीक है, जल्दी करो. Hello, Michael. Est-ce que je pourrais parler à HD? Hello, darling. Est-ce qu'on peut se voir ce soir? Il a raccroché. Il a dit qu'il avait une autre copine et qu'il ne voulait plus me voir. Il a dit qu'il avait une nouvelle girlfriend. Il ne voulait pas me voir. Ne vous inquiétez pas, je vais le rappeler. Allô, Michael? C'est Sabrina. ये HD
यहीं कहीं छुपा है, यहीं कहीं आसपास, यही जगह बताई थी उस महिपाल ने। इंटरलॉक इन्वेस्ट तो यही है सर। शुरुआत में जो पैसे इकट्ठे कर रहा है वो किसी बड़े खतरनाक काम के लिए कर रहा है, शायद हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। मगर वो सब यहाँ बैठ के क्यों कर रहा है? जिस तरीके से उसने हमें ख़त्म करने की कोशिश की थी उससे ऐसा लगता है वो कुछ भी कर सकता है। उसे अभी यही नहीं रोका गया तो देश में बर्बादी फैला देगा सर। तो मुझे लगता है अगर वो मिल गया तो हम उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे सर। हाँ, गिरफ्तार नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसे। हाँ सर, थोड़ी देर के लिए ही है ना। थोड़ी देर के लिए। फोटो दिखाओ सबको। हाँ सर। हाँ अभिजीत, एक औरत ने देखा हर्पिस को यहाँ पे। देखा? हाँ। क्या अभिजीत? हर्पिस है यहीं पे, एक लड़की के साथ घूम रहा है। वो बता रहा था कि पैराग्लाइडिंग करने आए थे वो लोग, पैराशूट से छलांग मारने के लिए। पैराग्लाइडिंग? हाँ। अच्छा, मतलब हर्पिस अब हवा में उड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ऊपर से देख के भाग जाए वो? तो ऐसा करो, तुम भी ऊपर जाओ अभी के अभी और देखो इनमें से कौन है वो जो हवा के झोंके खा रहा है। अभिजीत, पहुंच गए क्या? हाँ सर, मैं ऊपर पहुंच गया हूँ। कितना टाइम है तुम्हें फ्लाई करने में? ये पैराशूट वगैरह फैला रहे हैं सर। कितना वक्त है उड़ने में? मेरा ख्याल है एक मिनट में। सर अभी चेक ऑफ किया है, क्या वो हर्पिस दिख रहा है क्या तुम्हें ऊपर? असल में देख रहा हूं, यहां तो कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं इधर उधर चला गया हो तो कह नहीं सकते। अच्छी तरह से देखो अभी जी, तुम्हारी नजर से छूट ना जाए।
सर, हाँ सर, वो लड़की अनीला कहाँ पर है वो? हाँ सर, वो नीचे है, मैंने देखा उसे। हाँ सर, पार्क में, पार्क में। हम लोग पार्क के पास में ही है, आपसे तो 200 मीटर दूर होगी सर। बस तो हम लोग अभी वहां जाते। या हाँ बिल्कुल सेंटर में चल रही है सर, मैंने देखा उसे। आप लोग जल्दी आइए सर, जल्दी। गुड, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, देखिए वो आपको यहाँ पे। नहीं अभिजीत, जब तक हम लोग यहाँ पहुंचे वो निकल गई। अभिजीत, तुम्हें यकीन है वो अनीला ही थी? सर बिल्कुल यकीन है, वो अनीला ही थी सर। साफ साफ दिख रहा था ऊपर से। सर मुझे पूरा यकीन है वो अनीला ही थी सर। तो हमें तो लग रहा था कि अनीला की जान खतरे में है, उसका किडनैप हो गया और वो यहाँ घूम रही थी। तो जो लड़की हरपिस डोंगारा के साथ है वो अनीला है। इतने आराम से घूम रही थी सर, वो हरपिस के साथ नहीं है। ऐश कर रहे हैं दोनों यहाँ पे। इसका मतलब सर, ये लड़की हरपिस के गैंग वाली है, और जो गोलियां चली थी वहां चट्टी में, वो अनीला को मारने के लिए नहीं, वो हमारे लिए थी। इस अनीला को ही ढूंढो, जहां पर वो है वहीं पर हरपिस डोंगारा भी होगा। यहाँ के एक एक होटल में जाकर देखो, देखो कहां छुप कर बैठे गुरु। सर इंटरलाकिन के सारे होटल्स देख लिए, ना ही हरपिस डोंगारा और ना ही वो लड़की अनीला को किसी ने देखा है। छुप के बैठे कहाँ है? इंटरलाकिन तो बहुत छोटी सी जगह है। जहाँ कहीं भी अभिजीत, लेकिन वो इंटरलाकिन से निकलना नहीं चाहिए। अगर यहाँ से निकला तो मिलना बहुत मुश्किल है। साथ में हरपिस नहीं है कहीं, उससे मिलने तो नहीं जा रही। पकड़ो उसे। अभिजीत यहीं पे थी तो फिर वो यहीं के आसपास ही होनी चाहिए। ढूंढो ढूंढो। सर, सर पता चल गया, वो यहाँ थी शिल्टन में। शिल्टन? ये शिल्टन है क्या? सर शिल्टन पहाड़ों के ऊपर एक जगह है, करीब 10,000 फीट पे। वहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, और इस अनीला ने म्यूरेन के लिए 2 टिकटें खरीदी है। म्यूरेन कहाँ है ये? शिल्टन के रास्ते में ही पहाड़ी के बीच में एक छोटा सा गाँव है, लोग वहाँ घूमने जाते हैं। ये बता रहे थे कि उससे खूबसूरत जगह यहाँ पे कोई है ही नहीं। टिकट किस चीज के लिए खरीदी? क्या वहाँ पर कार वगैरह जाती नहीं है? नहीं सर, वहाँ पे कार वगैरह नहीं जाती है। वहाँ पे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, केबल कार। और अनिल ने वहाँ पे जाने के लिए 2 टिकटें खरीदी हैं सर, 2। मतलब हरपिस डोंगारा म्यूरेन दर्शन के लिए निकला है। चलो हम भी म्यूरेन की टिकटें खरीदते हैं, वहीं पे दबोचेंगे दोनों को।
जाने वाली है। जरा फोटो देखना, इन दोनों को देखा है यहाँ पे? इन दोनों ये अभी भी इधर से? हाँ हाँ, ये दोनों साथ में थे? हाँ सर। चलो जिसकी खबर यहीं खोजते हैं सर। हाथ में आए तो गोली मार दो। यस सर। हाँ ये धरती पे कहीं स्वर्ग होगा ना तो यहाँ पे ये भगवान ने बहुत ये फुर्सत से बनाया हुई जगह। देखो तराश तराश के बनाई है। जिस जगह पे आने के लिए लोग तरसते हैं, ऐसी खूबसूरत जगह पे इस गंदे आदमी के पैर पड़ गए। अब ये ज्यादा कीचड़ नहीं फैला पाएगा सर, इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। ये आदमी एक बार हाथ लग जाए फिर देखना इसकी। हाँ वहाँ देखो कितने प्यारे लाल फूल हैं। ये लाल फूल देखकर मुझे खून की याद आती है। चलो चलो मजा करता हूँ। चलो यहाँ पे छोटे छोटे होटल हैं, हर एक होटल में जाकर देखना पड़ेगा कहाँ पे छुपा है ये। चाहे कुछ भी हो जाए सर, खाली हाथ नहीं जाएंगे। हाथ उसके गर्दन तक पहुँचने के लिए मच मचा रहे हैं सर। ऐसा मजाक मत करो। ओके ओके आई एम सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ। मैं कान पकड़ के उठक बैठक करता हूँ। कितने अच्छे घर है ना यहाँ पर। हाँ मैं भी सोचता हूँ कि एक आध ये झोपड़ा खरीद लूँ। बहुत महंगे होंगे। नहीं नहीं यही कोई 15 करोड़ के होंगे। छुट्टे 15 करोड़। हाँ फिर देखो। एचडी कितना फ्रेश पानी है। हे क्या हुआ, काटा कोई? एसीपी एसीपी तो इतना बम से उड़ा फिर भी मरता नहीं चलता। अर्पित रुक जा। अरे गया किधर?
आधे देखा नहीं क्या तो नहीं हुआ क्या हुआ क्या नहीं मैं कहाँ भाग सकता हूँ? चल जल्दी। नहीं नहीं, वो लोग हमें पकड़ लेंगे। तुम उनसे माफी मांगो प्लीज। अरे माफी मांगने के लिए मैंने उनका रबर बैंड फोड़ा? मेरे इतना बड़ा बांध फोड़ा, उन लोगों ने मुझसे माफी मांगने के लिए। चल, चल। ए भाई। हर्पेस। बस। माय गॉड। गोली लड़की को लग गए। ये साथ फिर बच गया सर। जल्दी। जाके छुप रहा है ये छुपने दो कहां तक छुपेगा Thank you.
नीचे देखो, नीचे नीचे जाकर छुप गया होगा। देखो यहीं कहीं छुपा होगा, छोड़ो मत उसे। यहां छुप के बैठा है। अच्छा, हर्पेस डोंगारा, मैंने कहा था ना तुझे, दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, सीआईडी तुझे ढूंढ ही लेगी। ये तो एक पहाड़ है एसीपी, बहुत सारे पहाड़ हैं। मैं कहीं 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 भी छुप जाऊं, कूद जाऊंगा। तुझे यहां से जाने देंगे तब ना? एक एक नहीं 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 नहीं, मार मार ना, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। सर ये सांप है, सांप ये काटेगा जरूर। ये सरेंडर। मर गया हर्पेस डोंगा। जलस एसीपी प्रद्युमन, मैं तेरे से अच्छा सीआईडी ऑफिसर, मेरे से अच्छा सीआईडी ऑफिसर। तू एक सिफारिश से आया हुआ ऑफिसर था, पीछे के दरवाजे से घुसा था सीआईडी में। तू सीआईडी के नाम पे कलंक है। वैसे खाने के चक्कर में पकड़ा गया था ना तू? नहीं, ये इसने पूछा था मेरे को, इसने प्रद्युमन ने आधा इसको दिया था यार। देश को बेचने निकला था तू कभी ने? हाँ, अरे देश की क्या सोच रहा था, देश का सोचना नहीं, खुद की सोच। देख मेरे को ना, तू हॉस्पिटल लेके चल, बचाना तो तेरे को मेडल देगा देश, तेरे को मेडल देगा, इसको मैं गोल्ड प्लेट करूंगा। केस करूंगा। आखिर तक माफी नहीं मांगी इसने, इसे तो ऊपर भी सजा मिलेगी।